पर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां पर ट्रेजरी अफिसर के रवैये और तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ LBOD लेबर यूनियन की जानब से एहतजाज और ट्रेजरी ऑफिस तक रैली निकाली गई और धरना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी हुए एक साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। मुजाहरीन ने ट्रेजरी अफिसर को तब्दील करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक LBOD लेबर यूनियन के जेर तमाम मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ LBOD ऑफिस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहरीन से खिताब करते हुए इकबाल अहमद लाड़क, एजाज जावेद बलोच और दीगर ने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुए एक साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी अफिसर मीरपुर खास की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में अदायगी नहीं की गई, जबकि उनकी तनख्वाह अदा करने में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मुलाजमीन फाका कशी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी अफिसर को फौरी हटाया जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।